गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट प्रद्युम्न मर्डर केस में पुलिस ने स्कूल के माली को हिरासत में लिया है। गुरुग्राम पुलिस इस वक्त माली से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रद्युम्न की हत्या के बाद से गुरुग्राम में बंद रायन स्कूल के दो ब्रांच आज खुल गए हैं, जबकि भोंडसी स्थित रायन स्कूल कल तक बंद रहेगा। 7 साल का प्रद्युम्न भोंडसी वाले रायन इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ता था। आज जिन दो स्कूलों को खोला गया है वो सेक्टर 31 और सेक्टर 40 में है। सुबह सुबह जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए तो उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। और जी न्यूज से बातचीत में बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। कई अभिभावकों ने स्कूल के अंदर सुरक्षा का जायजा लेना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 31 के रायन स्कूल में बच्चों को छोड़ने आए अभिभावकों से जी न्यूज संवाददाता रूफी जैदी ने बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। प्रद्युम्न की हत्या के बाद गुरुग्राम के जो रियान इंटरनेशनल की ब्रांचेस हैं उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज खुली हैं ये सभी ब्रांचेस। और इस वक्त हम गुरुग्राम की सेक्टर 31 की ब्रांच में हैं। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, और जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को लेकर वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि उन सभी को ये घबराहट है। सभी लोग जो मैनेजमेंट है स्कूल का उससे सवाल पूछना चाहते हैं, और उनको ये लग रहा है कि उनका बच्चा कितना सुरक्षित है यहाँ पर, वो उनके लिए जानना जरूरी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जब आप अपने बच्चे को लेकर आए तो आपके दिल में डर है, खौफ है कि कैसे आपका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है? हमारे बच्चे स्कूल आए तो डर तो था ही, एक बच्चे बस से आते थे बट बस से नहीं आकर के हम खुद छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। डर बैठा हुआ बच्चों के अंदर कि हमें रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना नहीं है, या वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाते समय 3-4 बच्चों को लेके जाएंगे। यहाँ पे बड़ी ही गंदी व्यवस्था है, जितना ये फीस चार्ज। आपके बच्चे जब रियान की ड्रेस पहन रहे थे तो आपका दिल बैठा जा रहा था, डर लग रहा था? डर लग रहा था, स्टॉप पे छोड़ने नहीं आए लोगों को, मतलब ये बच्चे रियान में पढ़ते हैं, इनकी रेपुटेशन बहुत ही खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ प्रद्युम्न। सर, डर लग रहा था स्कूल में छोड़ते हुए? अंदर तो अभी देखी नहीं कैसी दादागिरी चल रही है इनकी, अंदर नहीं जाने दे रहे, न देखने दे रहे इनके बाथरूम वगैरह, भाई कैसे सुरक्षित है कि नहीं बच्चा, उसमें मेल फीमेल कौन सी वो सफाई वाली रहती है वो भी देखना मेरे को, ये नहीं देखने दे रहे ये लोग, अंदर नहीं जाने दे, नहीं जाने दे रहे बिल्कुल। मैम, आप सब लोग ये जानना चाहते हैं आज कि आपका स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो कितना सुरक्षित है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर हैं? इसीलिए आए हैं मैम कि क्या सिक्योरिटी क्या है, प्लस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल से मिलना बहुत जरूरी है। बहुत मैम, कितना डर आपको लग रहा है? बहुत डर लग रहा है इस समय, तो हम बच्चों को लाने से डरे हुए हैं, और बच्चे तो वास्तव में बहुत डरे हैं कि हमें नहीं जाना।